अपने घरों की दीवारें चुपचाप कहानियां सुनाती हैं। ये कहानियां सदियों पुरानी हैं, जो समय के साथ बदलती रही हैं। पेंट की हर परत पुराने जमाने की कहानियां बयां करती है। जैसे एक किताब के पन्ने पलटते हैं, वैसे ही ये दीवारें हमें इतिहास की झलक दिखाती है। आर्ट, कल्चर और टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को दर्शाती है। हर ब्रश स्ट्रोक में एक कहानी छुपी होती है, जो हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली और उनकी सोच के बारे में बताती है। सिर्फ डेकोरेशन से बढ़कर हाउस पेंट एक समृद्ध हिस्ट्री को समेटे हुए है, जो हजारों साल पुरानी है। ये हमें उन समयों की याद दिलाती है, जब पेंट का उपयोग केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि दीवारों को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता था। एंशंट केव पेंटिंग्स में यूज होने वाले पिगमेंट से लेकर आज के सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूलास तक, पेंट का सफर इंसानी इंजीन्यूटी और रंगों के प्रति हमारे एंड्यूरिंग फैसिनेशन का एक कैप्टिवेटिंग टेस्टमेंट है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अद्भुत कला का निर्माण किया। यह एक्सप्लोरेशन हाउस पेंट की फैसिनेटिंग हिस्ट्री में डुबकी लगाता है और हमें उन तकनीकों और सामग्रियों के बारे में बताता है, जो समय के साथ विकसित हुई है, इसके एवोल्यूशन और हमारी जिंदगी पर इसके इम्पैक्ट को उजागर करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे पेंट ने हमारे घरों को न केवल सुंदर बनाया, बल्कि उन्हें सुरक्षित और संरक्षित भी रखा। हम नेचुरल पिगमेंट्स के सबसे पहले यूज से लेकर मॉडर्न केमिकल पेंट्स के आने तक का सफर तय करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन बदलावों ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है और एस्थेटिक्स, प्रोटेक्शन और यहां तक कि हमारे मूड में पेंट के पिवोटल रोल को हाईलाइट करेंगे। यह हमें दिखाएगा कि कैसे रंग हमारे मनोविज्ञान और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस कलरफुल एडवेंचर पर निकलते हैं, समय की परतों को पीछे हटाते हुए उन कहानियों को उजागर करते हैं जो सतह के नीचे छिपी है। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे वर्तमान की गहराई को समझने में मदद करती है। जरा सोचिए, आप समय में पीछे जा रहे हैं 40,000 साल पहले, एक ऐसा समय जब मानव सभ्यता अपने शुरुआती चरणों में थी। लस्को, फ्रांस की डिमली लिट गुफाओं के अंदर अर्ली ह्यूमंस ने नेचुरल पिगमेंट्स का यूज करके ब्रेथटेकिंग वर्क्स ऑफ आर्ट बनाए। ये गुफाएं जो आज भी प्रिजर्व्ड हैं, हमें उस समय की झलक दिखाती हैं जब मानव ने पहली बार कला के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। ये केव पेंटिंग्स, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी के सबसे पहले एग्जाम्पल्स में से एक हैं, क्रश्ड ओकर, चारकोल और हिमाटाइट को जानवरों की चर्बी या लार के साथ मिलाकर पेंट का एक रूडिमेंट्री फॉर्म बनाया जाता था। ये पिगमेंट्स जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते थे, उस समय के लोगों की इंजेन्यूटी को दर्शाते हैं। ये अर्ली आर्टिस्ट्स रंगों की ताकत को समझते थे, कम्युनिकेट करने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपनी कहानियों को प्रिजर्व करने के लिए। उनकी कला न केवल उनके जीवन और संस्कृति का प्रतिबिंब थी, बल्कि यह उनके अस्तित्व और उनके समय की चुनौतियों का भी प्रमाण थी। रेड ओकर, येलो ओकर और अंबर जैसे नेचुरल पिगमेंट्स का यूज, जो अर्थ और मिनरल से मिलते थे, पेंट मेकिंग की शुरुआत थी। इन पिगमेंट्स का उपयोग न केवल कला के लिए, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में भी किया जाता था। इन पिगमेंट्स को बारीक पाउडर में पीसकर बाइंडर्स के साथ मिलाया जाता था, जिससे हमारे पूर्वज अपने घरों को सजाते थे और एंड्यूरिंग वर्क्स ऑफ आर्ट बनाते थे। यह प्रक्रिया न केवल तकनीकी कौशल की मांग करती थी, बल्कि एक गहरी समझ और सम्मान भी, जो वे अपने पर्यावरण के प्रति रखते थे। आगे बढ़ते हैं एंशिएंट इजिप्ट की तरफ, जहां पेंट उनकी वाइब्रेंट कल्चर में एक पिवोटल रोल प्ले करता था। पेंट का उपयोग न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, बल्कि यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इजिप्शियंस ने पिगमेंट प्रोडक्शन में महारत हासिल कर ली थी। एजुराइट और मेलाकाइट जैसे मिनरल्स से वाइब्रेंट ब्लूज और ग्रीन्स निकालते थे। इन पिगमेंट्स को बनाने की प्रक्रिया में बहुत धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती थी, जो उनके वैज्ञानिक ज्ञान और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। इन पिगमेंट्स का यूज न केवल मकबरे और मंदिरों को डेकोरेट करने के लिए किया जाता था, बल्कि कॉस्मेटिक्स और एवरीडे लाइफ में भी पाया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपने दैनिक जीवन में भी पेंट का उपयोग किया, जैसे कि उनके घरों की दीवारों पर और उनके कपड़ों पर इंट्रिकेट डिजाइंस बनाने के लिए। अपने आर्किटेक्चरल प्रोवेस के लिए जाने जाने वाले रोमन्स ने भी पेंट के सिग्निफिकेंस को पहचाना। उन्होंने पेंट का उपयोग न केवल अपने भवनों को सजाने के लिए किया, बल्कि इसे एक माध्यम के रूप में भी देखा, जिससे वे अपनी कहानियां और मान्यताएं व्यक्त कर सकें। उन्होंने फ्रेस्कोस बनाने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स डेवलप किए,
लाइम प्लास्टर के साथ पिगमेंट्स मिलाकर अपने विलाज और पब्लिक बिल्डिंग्स की दीवारों को अडॉर्न करते थे। फ्रेस्कोज बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते थे, जिसमें प्लास्टर की कई परतें लगाना और फिर उन पर पिगमेंट्स को अप्लाई करना शामिल था। रोमन फ्रेस्कोज में अक्सर मिथोलॉजिकल सीन्स, लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स दिखाई देते थे, जो उनकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज और पेंट एप्लीकेशन की मास्टरी को दर्शाते थे। इन फ्रेस्कोज में इंट्रिकेट डिटेल्स और वाइब्रेंट कलर्स का उपयोग किया जाता था, जो उनकी कला की गहराई और उनकी तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। मेडिवल पीरियड ने पेंट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखा, ऑयल पेंट्स का उदय। जबकि ऑयल को पहले भी बाइंडिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन 15th सेंचुरी में यूरोप में ऑयल पेंटिंग वास्तव में फ्लोरिश हुआ। आर्टिस्ट ने पाया कि लिंसीड ऑयल को बाइंडर के रूप में यूज करने से ट्रेडिशनल टेम्परा पेंट्स की तुलना में कई फायदे थे। ऑयल पेंट्स धीरे धीरे सूखते थे, जिससे आर्टिस्ट को कलर्स को ब्लेंड करने और सबटल ग्रेडेशंस हासिल करने के लिए ज्यादा समय मिलता था। वे रिचर मोर ल्यूमिनस कलर्स भी प्रोड्यूस करते थे और डेप्थ और टेक्सचर बनाने के लिए लेयर्ड किए जा सकते थे। इस ब्रेकथ्रू ने पेंटिंग में क्रांति ला दी, जिससे रेनेसांस मास्टर्स और उनके आइकॉनिक वर्क्स ऑफ आर्ट का मार्ग प्रशस्त हुआ।